हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिजिटल कार्तिक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली आज मैं आपको एक कुछ बातें बताने वाला हूँ। यस, मैंने ग्रुप में डाला है कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने एक्चुअली $90 इन वन डे अर्न की। तो उसकी एक्चुअली स्टोरी है, मैंने क्या किया था। मैं एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक जो पढ़ता हूँ, जो PDF गूगल पे फ्रीली मिलती है, राइट, तो वहाँ से मैंने 3-4 पेज पढ़ा था। और पढ़ने के बाद उसके स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या हुआ, मैंने उसका जो इंस्टाग्राम पोस्ट उसकी बनाई और मैंने उसकी 3 पोस्ट बनाई एंड हर 3 घंटे में वो मैंने पोस्ट की। और पोस्ट में ये लिखा कि टू बी कंटिन्यूड इन अ नेक्स्ट पोस्ट। तो मैंने एक स्टोरी एक प्ले किया कि ओके ऐसा है, फिर उस सेकेंड पोस्ट में ऐसा है, मतलब पोस्ट एक कंटिन्यूटी में पोस्ट थी। एंड उस पोस्ट में एक्चुअली क्या हुआ, ऑडियंस का रिटेंशन बहुत हाई हुआ एंड ट्रैफिक अच्छा मिला, एंगेजमेंट अच्छी मिली मुझे। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऑडियंस को एक्चुअली मैंने एक बिजी कर दिया उस पोस्ट में। तो आपको ऐसे नए नए ट्रिक्स और नए नए ऐसे कुछ भी ऐसे आपको लगता है कि आपकी इंस्टाग्राम में आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, इंट्रैक्शन बढ़ रही है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको कुछ नए तरीके आपको हासिल करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर आपकी सेल आने वाली है। एंड उस 3 सेल पोस्ट में एक्चुअली बहुत सारे क्लिक्स मिले मुझे एंड उसी क्लिक से मुझे वो अर्निंग हुई। तो ऑडियंस एक्चुअली एक एक्टिव ऑडियंस होना चाहिए, और एक्टिव ऑडियंस को भी एक्टिव करने के लिए आपकी पोस्ट एक अच्छी होनी चाहिए, एक एंगेज्ड पोस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आइडिया यही दूंगा, सजेशन यही दूंगा कि PDF बहुत मिलती है गूगल पे। आप सर्च करोगे बुक्स और PDF बहुत मिलती है, और आप एक बुक भी ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट उसमें एक कर सकते हो, क्योंकि जो बुक में जो कंटेंट मिलता है वो कहाँ मिलता नहीं है, राइट। जो अच्छे वाले बुक्स होते हैं जो थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन कंटेंट कहाँ पे मिलता नहीं। आप एक बार वो कंटेंट लो, उसको परचेस करो एंड फिर उसको रीड करो अच्छे से, उसकी स्क्रिप्ट बनाओ। 1 पेज 1 स्क्रिप्ट एक नॉर्मली होती है तैयार, तो बना के आप पोस्ट कर सकते हो और इससे आपकी सेल आएगी। क्योंकि ऑडियंस क्या करेगा, आपकी पोस्ट पढ़ेगा और उसको लगना चाहिए कि यस ये अच्छा वाला अकाउंट है, वो अच्छा, लेकिन स्क्रिप्ट जो है बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मतलब तो उनको एंगेजमेंट होना ही होना है, ऐसा आपको पोस्ट करना है। तो ऐसे ही मुझे सेल आई। एंड सेकेंड पार्ट इस वीडियो का यही कि मैं एक्चुअली एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में एक वीडियो करने वाला हूँ, अच्छा बड़ा वाला वीडियो, एक्चुअली एक सीरीज़ है वो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किया है कि टीच मी हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, मैसेज बहुत आई है फेसबुक पे, बहुत आई है। और मैं जो करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, सब सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, किसी एक पर मैं डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि कहाँ से भी सेल आपको आ सकती है। सो आपको हर जगह ट्राई करना पड़ेगा। देन बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया मैसेज कि टीच अस अब एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा रिसर्च किया, कल भी किया, आज भी किया हो। तो मैंने एक्चुअली प्लान किया है कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग ऑन एफिलिएट, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में सब ओनली इंस्टाग्राम से, क्योंकि इंस्टाग्राम से मेरी 80% सेल आई है, फेसबुक 10 एंड पिनिंटरेस्ट 10%। ओके, तो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा एक्टिव ऑडियंस है, तो उनको कैसे टारगेट करना है वो सब आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली 30 वीडियोस की सीरीज है वो। फर्स्ट मतलब प्रोफाइल बिल्डअप से, उसका SEO करने से, लास्ट तक एडवांस में जो आएगा, जो एडवांस में हम कर सकते हैं, वो हम सब वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, क्योंकि कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है। एंड आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो आप अच्छे से फॉलो करो, मतलब क्या, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि मैं बहुत सारे टाइम स्लॉट आपको बताने वाला हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल आपको इंग्लैंड को टारगेट करना है, इंग्लैंड ऑडियंस को टारगेट करना है, या ऑस्ट्रेलिया ऑडियंस को, या USA या कैनेडा या बेल्जियम या जर्मनी, इस कंट्री को कैसे टाइम स्लॉट से हम टारगेट कर सकते हैं, मैं सब वीडियो में उसमें डालने वाला हूँ।
तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल पे एंड लाइक करो, कमेंट भी करो कि यस आपको चाहिए वीडियो, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा मतलब लोग वो बोलेंगे तो मैं करूँगा,